बुद्ध ज्ञान स्वप्न से जाग और व्यर्थ कालक्षेप मत कर। तू अपना मन सत्य की ओर अनावृत कर, धर्माचरण कर और तू परम निर्माण को पालेगा। जो भी आर्य अष्टांगिक पर मार्ग पर चलते हैं उनके प्रत्येक धार्मिक जीवन में जीवन के आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जो धन से लिपटा हुआ है उसके लिए वही अच्छा है कि अपने हृदय की उससे विषाक्त करने के पहले उसका परित्याग कर दे। किंतु जो धन से लिपटा हुआ नहीं है और जिसके पास संपदा है तथा जो उसका सम्यक उपयोग करता है, वह अपने सहगामी बंधुओं के लिए वरदान स्वरूप हो जाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन के अपने व्यवसाय में स्थित रहे और अपने कर्म को परिश्रम पूर्वक संपन्न कर। जीवन धन और शक्ति पुरुष को नहीं बांधते, बल्कि जीवन धन और शक्ति के प्रति आसक्ति ही उसे बांध लेती है। तथागत के धर्म के लिए व्यक्ति का अनिकेत होना या संसार से विरत होना तब तक आवश्यक नहीं जब तक स्वयं वह वैसा करने की प्रेरणा नहीं पाता। परंतु तथागत के धर्म के लिए वह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के भ्रम से मुक्त हो जाए, अपने हृदय का परिमार्जन करे, सुख के प्रति अपनी तृष्णा का परित्याग करे और सदाचार का जीवन व्यतीत करे। हमारे शुभ और अशुभ कर्म छाए के समान हमारा अनुसरण करते हैं। वे सब जो विवेक की है, शरीर के सुखों की अवहेलना करते हैं, शरीर के सुखों की अवहेलना करते हैं, वे काम की अपेक्षा करते हैं तथा अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने की चेष्टा करते हैं। अगर उस प्रचंड ज्वाला से जल रहा हो तो उसमें पक्षी कैसे बसेरा करेंगे। जहाँ वासना जीवित है वहाँ सत्य का निवास नहीं हो सकता। काम का ज्वर सबके लिए भयानक होता है, वह संसार को वहाँ ले जाता है। जो उसके भंवर में फंस गया है उसके लिए कोई बचाव नहीं है। किंतु विवेक एक छोटी नौका है,
तथा चिंतन पतवार है, पलवार है, धर्म का सिंहनान तुम्हें मार शत्रु के प्रहार से, शत्रु के प्रहार से तुम्हें विचलित नहीं करेगा। क्यों नहीं विचलित करेगा? तुझे मुक्त होने के लिए फुकार रहा है, क्योंकि अपने कर्मों के फल से बचना असंभव है। इसलिए हम सतर्क रहे, सजग रहे, जागरूक रहे, सदाचारण और बुद्धिमत्ता के द्वारा अपनी वास्तविक गुरुता का प्रकाशन करो। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता पर गहन चिंतन करो और जीवन की अस्थिरता को समझ जाओ। दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, पर अपने दोषों को वह वैसे ही ढांकता है। दूसरे का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, पर अपने दोषों को वह वैसे ही ढांकता है, वैसे जैसे एक धोखेबाज झूठे फांसों को जुगाड़ी में छिपाता है। दोनों पक्षों की धैर्यपूर्वक सुनो। जो दोनों को अच्छी तरह से अनुभव निर्णय लगाता है और तोलता है, समझता है, उसे मुनि कहा जाता है। जब दोनों पक्ष अपने मामले प्रस्तुत कर देते हैं, तब संघ को समझना संपन्न कर दो और एकता की स्थापना की घोषणा कर दो। क्रोध में उच्चारित शब्द सबसे तीक्ष्ण तलवार है, लोलुपता सबसे घातक विष है, वासना प्रचंडतम अग्नि है, अज्ञान सहन सम रात्रि है। अज्ञान से संस्कार ध्वस्त होता है, ईर्ष्या और स्वार्थ परायणा मैत्री को तोड़ती है, द्वेष सर्वाधिक तीव्र जहर है और बुद्ध उत्कृष्टम वैद्य है। जो दुष्ट व्यक्ति एक सज्जन का अपमान करता है, वह उसके समान है जो ऊपर देखता है और आकाश पर थूकता है। थूक से आकाश दूषित नहीं होता, बल्कि वह वापस आता है उसी को दूषित कर जाता है। कोई व्यक्ति किसी को धोखा न दे, दूसरे की अवमानना न करे, क्रोध या
उग्रता में भरकर किसी की हानि करने की इच्छा न करे। जिसका काम भाव नष्ट हो गया है वो अहंकार से मुक्त है। जिसने वासनाओं के सभी पथों पर विजय पाई है वह शांत पूर्णतया सुखी और दृढ़ नम वाला है, मन वाला है। ऐसा व्यक्ति संसार में सम्यक रूप से विचरण करता है। जो बूढ़ा जो श्रद्धा और सद्गुण से परिपूर्ण है, जो प्रतिष्ठित एवं संपन्न है, वह जहाँ भी भ्रमण करता है उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है। जिस प्रकार स्वस्थ एवं दृढ़ जलों वालों वृक्षों को काट डालने पर वह पुनः बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? उसमें जड़ होती है, वो बढ़ने लगता है। उसी प्रकार जब तक प्रच्छन्न तृष्णा को निर्मूल नहीं किया जाता तब तक दुख बार बार पल्लवित होता है। हम संसार में जो भी इस क्षुद्र उद्धन तृष्णा को पराजित करता है उसे ठीक दुख ठीक वैसे ही विलग हो जाते हैं जैसे कमल पल से जल की बूंदे। तुम्हें स्वयं चेष्टा करनी होगी। तथागत को मात्र शिक्षक है। जो ध्यानी व्यक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं वे मार्ग के पासों से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जंग लोहे से उत्पन्न होते हुए भी पैदा होते ही लोहे को खा जाता है, वैसे ही पापी व्यक्ति के अपने कर्म ही उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति न हुआ था न होगा और न है जो पूरी तरह से निदिंत हो वा पूर्णतया प्रशंसीय। स्वास्थ्य उत्तम लाभ है, संतोष महत्तम संपदा है, गोपनीय उत्कृष्टम रिश्तेदार है, निर्वाण अत्युच्च आनंद है। विजय से द्वेष उत्पन्न होता है, पराजित दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विजय और पराजय का त्याग करने पर ही सुखपूर्ण शांत जीवन बिताया जा सकता है। काम के समान कोई अग्नि नहीं है तथा द्वेष के समान कोई अपराध नहीं है, शरीर के समान कोई व्याधि नहीं है और शांति निर्वाण से ऊंचा कोई आनंद नहीं। जीवन के बहुत से घरों ने मुझे रोका, उसे खोजते हुए जिसने खड़ा किया। इन इंद्रियों के दुखपूर्ण कैद खानों को मेरा अण्वतरंग संघर्ष वेदनापूर्ण था, पर अब तो जो इस आश्रय का निर्माता है मैं तुझे जानता हूँ। तू फिर कभी नहीं उठाएगा पीड़ा की इन दीवारों को, कहीं नहीं छलवा की जड़ों से वृक्षों को उगाएगा, न मिट्टी पर नए बेढ़े नई न मिट्टी पर नए दो चलाएगा, बीज बोएगा और तेरा घर टूट जा चुका है और छप्पर की कमानी टूट गई है। भ्रम ने इसे बनाया था, मैं वहाँ से सुरक्षित गुजरता हूँ मुक्ति पाने के लिए। अपने कर्म के हम ही तो करता, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। सत्य ही ईश्वर है, जगत में कोई ईश्वर नहीं है, कल्पना है,
भ्रम से बाहर आओ।